अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लिगेंड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्सेस के लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स और इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, पहली टाइप है SN2 मैकेनिज्म और दूसरी टाइप है SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये मेटल के साथ फॉर एग्जांपल 6 लिगेंड्स हैं। 5 लिगेंड्स को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं और 6 लिगेंड्स को हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड्स हैं, 5 लिगेंड्स को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया और 6 लिगेंड को हमने X से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टोटल 6 है। उसकी वजह ये है कि मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। जब इसके साथ कोई और दूसरा लिगेंड जो है वो रिएक्ट करता है, दूसरा लिगेंड हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि Y, ठीक है, ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, ये अटैकिंग रिएजेंट है और ये सब्स्टिट्यूट है। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये वाला जो नया लिगेंड है वो इस सब्स्टिट्यूट या इस कॉम्प्लेक्स पे अटैक करेगा। इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। जब ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो मेटल के साथ यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो है कितने लिगेंड जुड़ चुके हैं मेटल के साथ, 7 लिगेंड जुड़ चुके हैं। जब वाई यहां अटैक करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले मेटल के साथ 5 एल लिगेंड जुड़े हुए थे, छठा एक्स लिगेंड जुड़ा हुआ था और अब जो न्यू अटैक करने वाला वो कौन सा है, वो वाई है। तो इससे मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 से चेंज हो गए 7 हो गए। पहले यहां पर मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स थे, अब 7 लिगेंड्स हैं, ठीक है, यानी कि ये ज्यादा मेटल जो है वो क्राउडेड हो गई है और इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल से चेंज हो गए, कन्वर्ट हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, सॉरी सेकंड स्टेप में ये वाला एक्स जो है यहां से लीव कर जाएगा, एक्स लीव कर जाएगा। तो जब एक्स लीव कर जाएगा तो फिर मेटल के साथ जो है 6 लिगेंड्स हैं उनमें से 5 लिगेंड्स एल होंगे और छठा जो लिगेंड होगा दैट विल बी वाई। यानी इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, इस Y ने इस X को रिप्लेस कर दिया है। पहले यहां पर मेटल के साथ क्या लगा हुआ था, पहले लगा हुआ था यहां पर X, अब यहां पर X लीव कर गए और X की जगह जो है वो कौन सा लिगेंड आ गया, दैट इज Y, ठीक है। इस ये जो रिएक्शन है ना SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म, ये दो स्टेप में हुआ है। पहले स्टेप में ये Y जो है इसमें ऐड हुआ और फिर बाद में ये जो X है यहां से लीव हुआ। तो पहले वाला जो स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप पहले वाला, और दूसरा वाला जो स्टेप है वो फास्ट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लो स्टेप जो है उसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, पहला जो मॉलिक्यूल है दैट इज वाई या लिगेंड और दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ 5 एल जुड़े हुए थे और छठा जो है वो एक्स जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बाय और कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज बाय मॉलिक्यूल और इसकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से मुराद है कि इसमें टोटल जो है 2 मॉलिक्यूल जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, अब यहां पर आप देखें जब Y इसमें ऐड हुआ तो Y ने क्या किया, इस X को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप पहले ये दोनों कंबाइन हुए हैं,
पहले इन दोनों के दरमियान क्या हुई है, एसोसिएशन हुई है, जिससे इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 से इंक्रीज करके 7 हो गया, ठीक है। और फिर बाद में जो है यहाँ से x जब लीव हुआ है तो फिर दोबारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया और इसकी जो शेप है दोबारा ऑक्टाहेड्रल बन गई, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि पहले वाला स्टेप स्लो है और स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ वाई और कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होगी वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। अगर स्टूडेंट्स अब हम SN1 टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 5 लिगेंड जो है एल है और जो छठा लिगेंड है दैट इज एक्स, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर मेटल के साथ उनके 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से जो एक्स है वो लीव कर देगा, एक्स यहां से लीव कर देगा, तो मेटल के साथ जो है लिगंड की तादाद कितनी रहेगी, 5 रहेगी, यानी कि ये देखें 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब यहाँ पर जो है मेटल के साथ 5 लिगंड रह गए, या तो ज्योमेट्री हो सकती है ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, या हो सकती है स्केयर प्लेनर पिरामिड, ये वाली जो ज्योमेट्री है दैट इज स्केयर प्लेनर, स्केयर पिरामिड। और इन दोनों ज्योमेट्रीज में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ, SN1 मैकेनिज्म में जब कॉम्प्लेक्स जो है वो हिस्सा लेगा इस रिएक्शन में, तो फॉर एग्जांपल इस मेटल के साथ जो है वो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं जिनमें से 5 लिगेंड को हमने एल से रिप्रेजेंट किया और 6 लिगेंड को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एक्स यहाँ से लीव कर देगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से कितना डिक्रीज हो गया, हो जाएगा 5। और ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है SN1 मैकेनिज्म में जाएगा, तो SN1 मैकेनिज्म में जाने के दौरान सबसे पहले ये अपना एक जो लिगेंड है वो लूज कर देगा, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से डिक्रीज होके 5 हो जाएगा। इससे जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा उसकी जो ज्योमेट्री है वो या तो हो सकती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल या हो सकती है स्क्वेयर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होना है, सेकंड स्टेप में इसके अंदर पिन के अंदर जो है सेकंड लिगेंड ने ऐड होना, अगर ये ज्योमेट्री है तो इसमें भी ऐड हो सकता है, अगर ये ज्योमेट्री है तो इसमें भी ऐड हो सकता है, दोनों में ऐड हो सकता है। तो बेसिकली क्या होगा, मेटल जो है उसके साथ एक्स की जगह वाई लग जाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वाई के लगने से दोबारा 6 हो जाएगा और ज्योमेट्री जो है दोबारा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। इसमें आप देखें पहले स्टेप में x लीव हुआ है और दूसरे स्टेप में y इसमें ऐड हुआ है, इसमें पहले वाला जो स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप और स्लो स्टेप जो है वो रेडी डिटरमाइनिंग। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि स्लो स्टेप में सिर्फ उनके एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन का रेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो अटैकिंग रीजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अटैकिंग रीजेंट जो है वो स्लो स्टेप में हिस्सा नहीं ले रहा है बल्कि ये सेकंड स्टेप जो कि फास्ट है उसमें हिस्सा ले रहा है। इसलिए इस रिएक्शन का जो कहने के ऑर्डर होता है दैट इज, या इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या इसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसको कहा जाता है SN1 मैकेनिज्म। इसको डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 से डिक्रीज करके 5 पे चला जाता है,
क्योंकि ये इसमें जो एक्स है ना सबसे पहले डिसोसिएट होता है, यानी डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से डिक्रीज करके 5 पे चला जाता है। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 7 होता है, लेकिन इनमें जो इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होकर 5 हो जाता है। यानी कि SN2 में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का इंक्रीज होना है, लेकिन SN1 में जो इंटरमीडिएट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज होना है। यहाँ पर डिक्रीज होगा 6 से 5 में जाएगा, और इसमें इंक्रीज होगा वो 6 से 7 में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो स्पीशीज पर डिपेंड कर रहा है, एक लिगेंड की स्पीशीज कंसंट्रेशन पे और एक कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे। लेकिन आप अगर आप इनमें देखें तो इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो जो अटैकिंग एजेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके अलावा दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होते हैं लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें नॉन इनर्ट कहा जाता है, और दूसरे होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एक होते हैं लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे कौन से होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस से मुराद ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को इजीली रिप्लेस करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक लिगेंड न्यू लिगेंड पहले वाले लिगेंड को इजीली रिप्लेस कर दे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत हाई हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक लिगेंड जो है वो दूसरे लिगेंड को इजीली रिप्लेस ना कर सके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला जो वाई है वो इस एक्स को इजीली रिप्लेस नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा है, दैट इज इनर्ट। और अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला जो वाई है ये इस एक्स को बड़ी इजीली रिप्लेस कर रहा है, बड़ी जल्दी रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ लिबाइल कॉम्प्लेक्स। दैट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।